आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए, संख्या पद्धति ये क्या है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैं इसको आधार से बताने जा रहा हूँ, यानी कि बेस लेवल से, यानी कि आधार से संख्या विभाजित करना सीखे। क्या मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? संख्या विभाजित करना सीखे। तो चलिए, सबसे पहला दो से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। दो से क्या है? दो से विभाजित करने के नियम, ठीक है? अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जिस संख्या के इकाई के अंत में, जिस संख्या के इकाई में 0 से लेके 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, वह दो से विभाजित होगा। इकाई यानी कि आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि अंत में उसके आखिरी में, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया। चलिए तो स्टूडेंट, मैं इसको विभाजित करके देखता हूँ, ठीक है? तो हम संख्या लिखने जा रहे हैं। 3 हो गया, 7 हो गया, 7, 9, 1, 0, 4। अब चलिए, अब ये देखना है कि इस 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ठीक? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत में, जैसे कि ये हमने आपको यहाँ पे बताया है, इस लाइन में हमने आपको बताया है कि ये 4 आएगा, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 ये आएगा, तो ये वो क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होना ही होना है। तो ये क्या है, लास्ट में क्या आया स्टूडेंट? 2 आया है, ये 4 आया है, तो यहाँ पर भी क्या है? 4 ही है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है? तो 2 1 क्या 2, ये क्या बचा आपका? 1, हम 7 ले लिए, 2 8 क्या हो गया? 16। फिर यहाँ क्या बचा? 1। फिर 7 को हम ले लिए, फिर क्या हो गया? 2 8 16। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1। अब फिर हम ले लिए 9 को ले लिए, फिर ये क्या हो गया? 2 9 के 18। फिर ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है? और यहाँ पे ठीक है, अब ये हम ले लिए फिर से इसको, 1 2 5 10। फिर से यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। फिर इसको हम ले लिए 4 ले लिए, तो 2 7 14, यानी कि आप इसको देख सकते हैं, यह पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है। चलिए तो स्टूडेंट, ये क्या है, ये संख्या आपका, ये आप देखिए, इसको देख ही रहे हैं कि यह पूर्ण रूप से क्या हो गया? विभाजित हो गया। अब इसी तरीके से ये भी होगा, ठीक? अब चलिए हम चलते हैं 3 से विभाजित करने के नियम, ठीक है? अभी क्या है, 3 से विभाजित के नियम। दिए गए संख्या का योग क्या है? दिए गए संख्या का योग, योग यानी कि जोड़ना, जोड़ना मतलब कि जोड़ना, ठीक है? योग करने पर वह संख्या 3 से क्या है? 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से पूर्ण, पूर्ण यानी कि पूरे तरीके से, ठीक है, पूर्ण विभाजित है। अब चलिए हम इसको देखते हैं, आइए हम जोड़ के देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो क्या हो गया? 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, तो क्या हो गया? 4 8 12 12 6 12 6 18 हो गया, 18 5 क्या हो गया आपका? 23। 23 7 क्या हो गया? 30। यानी कि ये संख्या स्टूडेंट 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 10 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, अब इसको भी हम देखते हैं कि अब इसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है? सो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि अब मतलब कि आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ये अब ये डायरेक्टली बता दिए, ये पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं संख्या लिख देता हूँ, ठीक है? अब जब ये विभाजित हो गया, तो ये 10 को आप देखिए, ये पूरी तरीके से विभाजित इसको होना है। तो अब चलिए हम संख्या लिखते हैं, 7 5 6 8 4, यही है आपका। चलिए अब हम 3 से करते हैं, 3 1 क्या 3 हो गया आपका, यहाँ पे कितना बचा? 4, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? फिर भी कट जाएगा, तो 3 1 क्या 3 आपका यहाँ पे क्या बचा? 1, ठीक है? और सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम 1 बार ना लेके यहाँ पे हम 2 बार ले सकते हैं, ठीक है? देखिए ये, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, 3 2 9 के 6, ये क्या हो गया आपका? 1 आ गया, तो हम यहाँ इसको ये 5 ले लिए, तो क्या हो गया? 3 5 क्या हो गया? 15, ये कैंसिल हो गया, तो 6 उधार लेते हैं, ठीक है? 3 2 9 के 6, ये भी कैंसिल हो गया। अब 8 इसको हम ले लेते हैं, तो क्या होगा? फिर भी वही 3 2 9 के 6। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर हम इसको 4 को जब ले लेंगे स्टूडेंट, तो 3 8 के 24, यानी कि आप इसको देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से, यानी कि पूरी तरीके से ये संख्या क्या है आपका, विभाजित हो चुका है। अब आप ये करिए, आपके लिए है, ठीक है? तो हम चलते हैं 4 से
चार से विभक्ति के नियम, ये देखिए चार से विभक्ति के यानी कि विभक्ति यानी कि विभाजित करने के नियम, इकाई और दहाई, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इकाई और दहाई, ठीक, इकाई और ये क्या है दहाई से बनी संख्या, क्या है से बनी संख्या, चार से पूरी तरह से, ये क्या है चार से पूरी तरह से विभक्त हो वह संख्या चार से पूर्ण रूप से क्या होगी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, हेलो, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इकाई और दहाई, क्या बताया हमने आपको, इकाई और दहाई, ठीक है, ये मतलब कि मान लीजिए जैसे ये हो गया 32, ठीक है, अब ये आपको देखना है कि चार से कट जा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो यानी कि ये चार से कट जा रहा है, तो क्या होगा चार अठे 32 यानी कि ये कट जा रहा है, अब इसको भी देखना है तो ये भी 4 4 16। अच्छा आपके मन में ये भी डाउट भी हो रहा होगा कि सर आप कार्ड किस दिखाइए, तो चलिए मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, ठीक है, 3 8 3 8 को ले लेते हैं, ठीक है, 16, क्लियर, अब चलिए इसको हम काट के देखते हैं ना। चलिए स्टूडेंट, चार मतलब कि चार के चार, चार दुना चार, तीन चार, 28, 4 8 32, 8 9 9 वाले जाते हैं, 4 9 की ये क्या हो गया स्टूडेंट 36 हो गया, तो 8 में से 2 हो गया, अच्छा हो गया, आप यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, तो फिर हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं एक संख्या 3, ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 4 5 20, अब यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, अब ये हम ले लेते हैं 8, 4 9 की फिर क्या हो गया 36, ठीक है, अब ये कट गया तो आ गया यहाँ पे 2, फिर हम फिर एक ले लेते हैं तो 4 5 20, ठीक, अब इसको हम ले लेते हैं 1, तो फिर क्या हो गया 16, 16 हम ले लेते हैं, फिर ये 6 हो गया, तो 4 चौके 16 आपका, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संख्या हमने लिया था, यानी कि ये 38 38 और 16 पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है। यदि ये मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू सो मच।